वैसे तो करीब हर मामले में, लेकिन खास तौर से महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर मोदी सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। कागजों में सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए कई योजनाएं शुरू की, लेकिन जमीन पर सब चौपट। आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में भारी इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के मुताबिक 2021 में ऐसे अपराध अपने हाई लेवल पर पहुंच गए। 2020 की तुलना में साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 15.3% का इजाफा हुआ है। पिछले साल 2021 में जब देश कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में था, तब भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध 15% बढ़ गए। इस दौरान बलात्कार के मामले भी 12% बढ़े। NCRB का डेटा साफ दर्शाता है कि पिछले 10 सालों में देश में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध 75% तक बढ़े हैं और बलात्कार की घटनाएं 27% तक बढ़ गई हैं। देश के बाकी हिस्सों को तो छोड़िए, दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में हर दिन बलात्कार के 6 मामले सामने आते हैं। दिल्ली में 8 महीने की बच्ची से लेकर 90 साल की महिला तक का बलात्कार किया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध किसी महामारी की तरह बढ़ गए हैं। देश की मोदी सरकार ना तो जनता के मूल मुद्दों का ध्यान रख पा रही है, ना ही महिलाओं की सुरक्षा कर पाना सरकार के बस की बात है। BJP की सरकार हर मोर्चे पर फेल है।